हेलो, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह सुबह हमारे यहाँ देखिए किस चीज़ की तैयारी चल रही है, तो ये है हल्दी। ये हमारे खेत से आया हुआ है और ये कच्चा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगे थे, तो मिट्टी को अच्छे से धोकर यहाँ पर देखिए चूल्हे पर उबाला जा रहा है। हल्दी को डायरेक्ट उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसे पहले उबाला जाता है, इसके बाद सुखाया जाता है, इसके बाद हम लोग उपयोग करते हैं। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और किशन का कोचिंग भी लग गया है, तो इसके सर आए हुए हैं। किशन अपना पढ़ाई कर रहा है और हमारा खाना भी बन गया है, तो हम खाना निकाल दिए हैं अपने लिए और इनके लिए, तो दोनों लोग आज साथ में खाना खाएंगे। दोस्तों आज हमारा NTPC का एग्ज़ाम है, तो आज मुझे एग्ज़ाम देने जाना है और फर्स्ट मीटिंग में मेरा एग्ज़ाम भी है। तो खाना खाने के बाद मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर से जाने में करीब आधा एक घंटा लग जाएगा। अगर जाम रहेगा तो एक घंटा के करीब लग सकता है, अगर खाली रहेगा तो आधा घंटा में पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, ये है हमारा एडमिट कार्ड, तो इसे मैं रख लेती हूँ बैग में और तैयार होकर चलती हूँ। दोस्तों अब हम निकल गए हैं, इन्हीं के साथ हम बाइक से जा रहे हैं और इस टाइम हम पहुंचे हुए हैं मड़ुआडी स्टेशन के पास। ये देखिए, ये मड़ुआडी स्टेशन है। दोस्तों अभी अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं सिगरा पर और आगे देखिए ये IB मॉल दिख रहा है, तो हम लोग IB मॉल के पास पहुंच गए हैं। ये है IB मॉल, तो रोड भी काफ़ी खाली खाली है, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है और ये गाड़ी भी तेज़ नहीं चलाते हैं, मीडियम में ही चलाते हैं। अगर यहीं जाम लगा रहता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन ठीक है, रास्ता जाम नहीं है। सुबह के टाइम इतना ज़्यादा जाम नहीं रहता है, दोपहर के टाइम ज़्यादा जाम लगा रहता है। तो हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हुए मलदैया पर चलेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं थानापुर थाना के पास, ये देखिए थाना है, और इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कपिल चौरा, तो अभी चलते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम लोग पहुंचने वाले हैं कपिल चौरा सरकारी हॉस्पिटल के पास, तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। अब इसी के बगल में से एक गली गई है जो कि हमारे सेंटर पर जाएगी, तो ये देखिए इस गली में हम आ गए हैं। इसी गली से होते हुए हम लोग चलते हैं अपने सेंटर पर। दोस्तों अब हम लोग सेंटर के पास पहुंचने ही वाले हैं और यहां से दिख भी रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है DAV इंटर कॉलेज, तो ये है यहां का गेट, इसी से हम लोग अंदर की तरफ एंट्री करेंगे। ये जो आगे दिख रहा है सामने,
ये इंटर कॉलेज है DAV, और इसके आगे जो है वो डिग्री कॉलेज है। तो ये देखिए दोस्तों, सेंटर के पास हम लोग पहुंच गए हैं और काफ़ी बच्चे भी आए हुए हैं, बहुत ही दूर दूर से आए हैं, कोई बिहार से आया है तो कोई झारखंड से आया है। दोस्तों धूप बहुत ही तेज़ किया हुआ है और कहीं छाया नहीं है, देखिए सब लोग इधर उधर खड़े हुए हैं। तो ये है COVID-19 का फॉर्म, इसे मैं घर से नहीं फिलअप की थी तो यहाँ पर भर देती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ एग्ज़ाम हॉल में। दोस्तों एग्ज़ाम देने के बाद अब हम लोग चलेंगे वापस घर की तरफ। तो ये देखिए DAV इंटर कॉलेज का गेट है। दोस्तों अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और ये देखिए रोड पर कितना ज़्यादा भीड़ है। आते समय तो बहुत ही खाली खाली रोड था, आराम से आ गए, लेकिन जाते समय देखिए बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है जाने में। और धूप भी बहुत तेज़ी से किया हुआ है और ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं विनायक प्लाजा के पास, और अब हम लोग चलेंगे इधर से थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ते से। तो ये देखिए इधर से आ गए हैं, तो इधर काफ़ी खाली रास्ता है। दोस्तों अब मैं DLW के पास आ गई और इसी रास्ते से चलती हूँ, ये रास्ता काफ़ी खाली खाली रहता है। तो वो देखिए इंजन रखा हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ये देखिए सूर सरोवर है। तो दोस्तों अब मुझे काफ़ी तेज़ से भूख भी लग गई है, तो मुझे कुछ नाश्ता भी चाहिए, तो इधर से चलती हूँ, कुछ देखती हूँ खाने पीने की चीज़ें मिले। तो इधर देखिए फील्ड है और इधर सूर सरोवर भी है। दोस्तों अब मैं पहुंच गई हूं DLW के गोमती मार्केट में, और यहां पर देखिए बहुत सारी फले की दुकानें लगी हुई हैं। तो यहां से मैं पीऊंगी नारियल पानी, भैया मुझे नारियल पानी दे दिए हैं तो मैं नारियल पानी का आनंद लेती हूं, और वो उधर मौसम्बी का जूस पियेंगे। तो दोस्तों हम लोग जब गर्मी के मौसम में बाहर निकलते हैं तो नारियल पानी और मौसम्बी का जूस वगैरह पी लेते हैं, ताकि शरीर में कोई हरासमेंट ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा है जगह, और मुझे तो इडली डोसा खाने का मन कर रहा था, तो देखिए इधर दुकानें दिख भी गईं। ऐसे इस टाइम तो बहुत ही कम दुकानें दिखती हैं, शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इडली डोसा और सारी दुकानें लगती हैं। तो ये देखिए ये भैया यहाँ पर बना रहे हैं, तो मैं इडली खाऊंगी। तो देखिए इडली में ये सांभर और गरी की चटनी वगैरह ये सब डाल रहे हैं। और ये जो दुकान है ये इधर बगल में, इसके फील्ड भी है बच्चों का, तो अब इसमें डालेंगे गरी की चटनी। तो देखिए दोस्तों पीछे बाल उद्यान है, और मैं इडली का आनंद लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरा जगह है और हवा भी काफ़ी अच्छी चलती है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और DLW में तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ का वातावरण। तो काफ़ी टेस्टी बनाए हैं भैया, और इधर डोसा भी बना रहे हैं। तो अभी ये भैया बता रहे थे कि हम मुंबई में रहते थे, कुछ काम वगैरह करते थे, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर आ गए हैं, तो यहीं अपना दुकान खोल रहे हैं, तो अभी पहली बार बना रहे हैं। ऐसे ही अपना बता रहे हैं कि हम जो है कि कोरोना की वजह से घर आ गए हैं, तो कोई रोज़गार नहीं था, तो यहीं अपना इडली डोसा बना रहे हैं। तो काफ़ी टेस्टी बनाए हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। तो देखिए
अब इसमें मसाला डालते हैं और इसके बाद ये प्याज डालते हैं। और देखिए डोसा बना दिए हैं और गरी की चटनी और सांभर देते हैं। तो दोस्तों इडली मैं खा ली हूँ, अब मैं इसका भी आनंद लेती हूँ। मुझे बहुत ही पसंद रहता है इडली डोसा, मैं कहीं भी बाहर निकलती हूँ तो इडली डोसा ज़रूर खाती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी टेस्टी है, तो चलिए मैं इसे टेस्ट करती हूँ। दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं अभी पहली बार इडली डोसा बना रहा हूँ और मेरी नई दुकान है, तो काफ़ी टेस्टी बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में। और ये मुझे दिए हैं 40 रुपये में इडली डोसा दोनों मिलाकर, लगता है 15 रुपये का इडली है और 25 रुपये का डोसा है। और मैं 50 रुपये में नारियल पानी पी थी तो मेरे कुल मिलाकर 90 रुपये खर्च हुए और मेरा पेट तो बिल्कुल एकदम फूल हो गया है। अब मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं घर से भी खाना खा कर आई थी। दोस्तों मैं तो रास्ते में ही इडली डोसा और नारियल पानी पी कर आई हूँ और सबके लिए देखिए मैं अंगूर लाई हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मुझे एग्जाम देकर आए करीब 1 घंटे के हो गए, तो मैं आराम कर ली और अभी मैं उठी हूँ तो फ्रेश व्रेश हो ली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं और आप लोग जो कमेंट करते हैं उसका जवाब भी दे देते हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में, तो मैं सबका नाम भी नोट की हूँ। तो चलिए सबका नाम ले लेती हूँ। अनीता जी हैं, विद्या जी हैं, कविता हैं, कृष्ण कुमार हैं, सुनील कुमार हैं, सुषमा जी हैं, प्रिया जी हैं, स्मृति गर्ग हैं, नीलेप जी हैं, आदित्य कनौजिया हैं, श्रेया सिंह हैं, ललिता जी, अर्जुन रामसेन जी, सीमा मंजू, सुनीता पंचाल, कल्पना अग्रवाल। तो आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं। दोस्तों मैं पेपर की बात करूँ तो मेरा पेपर ठीक ही गया है, मेरा मैथ और रीजनिंग तो ठीक ठाक है लेकिन जीएसजी के बहुत ही वीक है और पढ़ाई के साथ साथ मेरा तैयारी भी उतने अच्छे से नहीं हो पाया था, लेकिन पेपर ठीक ही ठाक गया है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अब मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।